अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास थ्री की जो है ना सोशल स्टडी जो है ना इंशाल्लाह लेक्चर रिकॉर्ड करवाएंगे। इसमें जो है ना हमारा यूनिट नंबर 8 है, उसका नाम है मैप स्किल। तो हम जो है ना उसको फाइंड आउट करते हैं। तो मैप स्किल पे जी ये स्टार्ट हो जाता है 83 नंबर पेज से। तो इसके ऊपर लिखा हुआ है मैप स्किल्स, मतलब कि आपको मैप नक्शा को समझने का हुनर कैसे आएगा, तो उसके बारे में ये बता रहे हैं। तो डायरेक्शंस मतलब सीमतें, डायरेक्शन गाइड योर वे। डायरेक्शन जो है ना हमें हमारा रास्ता तलाश करने के लिए मदद करती है। देर आर 4 कार्डिनल पॉइंट, इसके 4 जो है ना महसूस पॉइंट होते हैं। दे आर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। इन जो 4 सिमतें हमको कहती हैं, नॉर्थ मतलब शुमाल, साउथ मतलब जुनूब, ईस्ट मतलब मशरिक एंड वेस्ट मतलब मगरिब। इट इज़ वेरी इजी टू नो द डायरेक्शन इफ़ यू हैव अ कैंपस कंपास। अगर आपके पास एक कंपास है तो आप इजीली उसको डायरेक्शन को तलाश कर लेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को। द नीडल ऑन द कैंपस इज ऑलवेज पॉइंटिंग टू द नॉर्थ। उसके अंदर जो सिलेक्शन की गई होती है कंपास के अंदर, वो नॉर्थ होती है। तो नॉर्थ जिस डायरेक्शन में भी होगा ना, कंपास ऑटोमेटिकली उस तरफ इशारा करेगा। तो जिस साइड पे नॉर्थ होगा उसकी बैक पे साउथ होगा, तो ऑटोमेटिकली आपको फाइंड आउट करना आसान हो जाएगा। यानी फ़र्ज़ किया अगर आपके सामने नॉर्थ है ना, तो बैक में साउथ है, तो आपकी जो लेफ़्ट साइड होगी वो वेस्ट होगी और राइट साइड जो होगी आपकी ईस्ट होगी, अगर नॉर्थ आपके सामने। ठीक हो गया। इसी तरह आगे वो देखिए कैंपस बना हुआ है, इधर इन्होंने एक ये भी कैंपस बनाया हुआ है। कहते हैं अ कैंपस रोज शोइंग द 4 डायरेक्शन। इसके अंदर जो कैंपस है ना, वो 4 डायरेक्शन 4 सीमतें दिखा रहा है। अ कैंपस रोज शो द डायरेक्शन ऑन द मैप। जो कैंपस होता है ना उसके ऊपर जो है ना कंपास डायरेक्शन को रोज यानी कि जाहिर करके दिखाता है। इट इज़ ऑल्सो नाउन एज अ डायरेक्शन फाइंडर। इसको यानी कि ये जो हिस्सा ना, ये देखें ये कैंपस के अंदर होता है। ये देखें, ये पहले ये कैंपस का हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा ये वाला ना वो ये है, ऊपर ऊपर ये। तो इसकी बात करें, इसको कहते हैं कैंपस रोज कहते हैं। तो ये इसको दिखाने के लिए होता है। डायरेक्शन ऑलवेज फ्लो फ्राम क्लाक वाइज फर्स्ट टू लास्ट इन द सेम डायरेक्शन, जस्ट एज द हैंड ऑफ अ क्लाक ऑलवेज मूव इन द सेम डायरेक्शन। कहते हैं कि जिस सिमत की डायरेक्शन होती है ना, आप जिस तरफ को आप कैंपस को घुमाते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता उसके जो कह लें कि उसकी जो हैंड्स होते हैं, मींस के उसके जो आहिस्ता आहिस्ता वो हैंड्स है ना, वो ऑलवेज़ जो है ना वो क्लॉकवाइज घूम कर तो अपनी सीमत तलाश करते हैं। कि यानी कि आपके पास कैंपस है और आप अचानक अपनी डायरेक्शन आपने चेंज किया है, तो कंपस जो है ना क्लॉकवाइज घूम कर ना अपनी एग्जैक्ट डायरेक्शन बताएगा। अच्छा जी, उसके बाद ये एक नीचे एक और बना हुआ है, इसको कहते हैं कैंपस रोज शोइंग एडिशनल डायरेक्शन। इनकी एडिशनल डायरेक्शंस होती हैं, उनको कहते हैं नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट। यानी कि साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट, ये यानी कि 4 मोर डायरेक्शंस होती हैं। इनमें कह रहे हैं देर आर 4 एडिशनल डायरेक्शन एज नॉट एवरीथिंग मे बी डायरेक्टेड ऑन द नॉर्थ साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट एंड और वेस्ट। कहते हैं कि 4 एडिशनल डायरेक्शंस होती हैं एज नॉट एवरीथिंग, जो सब कुछ ही नहीं है, मे बी डायरेक्टली ऑन द नॉर्थ। यानी कि किसी वक्त होगा कि आपने ना सिमत एग्जैक्टली पूरी जो सिमत है ना वो आप नहीं घूमे, रोटेट नहीं हुए, आप थोड़ा सा हो गए हैं, तो फिर वो अलग सी डायरेक्शन है, वो फिर नॉर्थ ईस्ट की तरफ या नॉर्थ साउथ की तरफ दिखाएगा। यानी आप ना नॉर्थ को फाइंड करने जा रहे हैं ना, तो नॉर्थ के एग्जैक्टली पॉइंट ऑफ के व्यू के सामने नहीं आ पाए, आप थोड़ा सा एक साइड को कर्व हुआ है, तो उसमें ये हुआ है कि आप जो है ना उसके कह लें कि नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ वेस्ट में वो डायरेक्शन दिखाएगा। इसी तरह ये फिर नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट में होता है। कहता था एडिशनल डायरेक्शन आर नॉर्दर्न ईस्ट नॉर्दर्न वेस्ट साउथ साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट। जो एडिशनल डायरेक्शन है उनका नाम है उनका जो नाम है शुमाल मशरकी शुमाल मगरबी जनूब मशरकी और जनूब मगरबी। उसके बाद आ गया नेक्स्ट पेज में, वो कह रहे हैं ये यानी कि सिमत का अंदाज़ा लगाने के लिए वो कंपास के बगैर कुछ बताना चाह रहे हैं। कहते हैं
द सन ऑलवेज राइजेज इन द ईस्ट, जैसे हमें पता है कि सूरज हमेशा मशरिक से ही निकलता है। इफ़ यू फेस द राइजिंग सन इन द मॉर्निंग विद योर आर्म्स स्ट्रेच्ड आउट ऑन योर साइड, अगर आप सूरज को अपने सामने देखकर अपनी बाजों को फैलाएंगे ना, तो कहते हैं द नॉर्थ विल कम ऑन योर लेफ्ट साइड एंड साउथ ऑन योर राइट साइड। आप अगर सूरज को अपने सामने, सूरज मतलब ईस्ट की साइड है, सूरज जो जहाँ से तुलू हो रहा है ना, आप उस साइड की तरफ देखेंगे ना, तो आपके बिल्कुल सामने सूरज जो आप देख रहे होंगे वो मशरिक होगा, मगरिब आपके बैक पे होगा, वेस्ट जिसको कहते हैं। लेफ्ट साइड जो आपकी होगी वो नॉर्थ की होगी और राइट साइड जो आपकी होगी वो होगी साउथ की। तो इट ऑलवेज सेट इन द वेस्ट, क्योंकि सूरज तो हमेशा ग्रूव वेस्ट में होता है, तो ईस्ट और वेस्ट अगर आप फाइंड आउट, अगर आपके पास कैंपस नहीं है तो आप ईस्ट वेस्ट का अंदाज़ा लगा लें तो नॉर्थ साउथ का आपको आसानी से मिल जाएगा। लेफ्ट जो होगी नॉर्थ और राइट जो होगी साउथ होगी। लुक एट द मैप ऑन द आइलैंड, यू कैन फाइंड मैनी फीचर्स। आप इस आइलैंड की तरफ देखें तो आपको मुख्य तरह के फीचर्स लग रहे हैं, वाइट माउंटेंस है, ब्लू बीच है, रेड रिवर है, ग्रीन फॉरेस्ट, ब्राउन हार्ट विलेज है, और ये ऊपर उनका कैंपस का जो डायरेक्शन फाइंडर है वो लगाया हुआ उन्होंने ऊपर। कहते हैं वाइट माउंटेन, अब आप उसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं नीचे इसका डायग्राम, वाइट माउंटेन इज़ द नॉर्थ ऑफ द बॉय। कहता है कि फ़र्ज़ किया कि जो ये देखें पिक्चर के अंदर ना, ये बॉय बना हुआ है, ये यानी ये बॉय है, बॉय अब देख रहा है वाइट माउंटेन को, तो कहता है बॉय का जो नॉर्थ है ना वो वाइट माउंटेन, यानी बॉय ने जो देख रहा है ना वो वाइट माउंटेन को, तो वो है नॉर्थ। ब्लू बीच इज़ द वेस्ट, है ब्लू बीच देखें, अब ब्लू बीच जो है ना लेफ्ट साइड जो है, ये देखें ब्लू बीच, ये उसका लेफ्ट है। ब्राउन हार्ट विलेज इज़ द ईस्ट, तो ब्राउन हार्ट विलेज जो है वो उसके दाई हाथ में है, ये ब्राउन हार्ट विलेज इसका दायां हो गया, इसको ईस्ट कह दिया। तो ग्रीन फॉरेस्ट जो इसके पीछे ग्रीन फॉरेस्ट है ना, तो वो कहता है वो उसका साउथ ऑफ द बॉय होगा। मैप्स कहता है इमेजिन यू आर लॉस्ट, कहता है फ़र्ज़ किया मैप होता क्या, कहता है फ़र्ज़ किया आप ना किसी जगह किसी शहर में खो गए हो, अब आपने डायरेक्शन कैसे फाइंड करनी है उसका तरीका बता रहे हैं। व्हाट यू विल नीड टू फाइंड योर वे, अगर और आप अपना रास्ता तलाश करना चाहते हो तो आप क्या करें, मोस्ट प्रॉबली यू विल नीड अ ले आउट ऑफ द सिटी सो यू कैन नो वेयर यू आर। तो आपको सबसे पहले सिटी का वे जो है ना ले आउट ढूंढना पड़े, ले आउट देखें, तो जब आपको सिटी का ले आउट मिल जाएगा तो उसमें आप इजीली फाइंड कर लेंगे आप इस वक्त किस जगह हैं। मैप मैप्स आर पिक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ आ ऑफ एन एरिया डैट हेल्प यू टू फाइंड डायरेक्शन। मैप दरअसल एक पिक्चर होती है जो ईजिली जो रिप्रजेंट करती है, जो पेश करती है एरिया को, जो आपको रास्ता तलाश करने में मदद करते हैं। अ मैप कैन बी ऑफ द वर्ल्ड अ कंट्री, जो मैप नक्शा है वो दुनिया का नक्शा भी होता है और किसी शहर का किसी कंट्री का मखसूस नक्शा भी आपको मिल जाता है, यानी आपको कंट्री मैप भी मिल सकता है, वर्ल्ड मैप भी मिल जाएगा, कॉन्टीनेंट मैप भी मिल जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद कहते हैं सम जिसमें आप रोड और कॉन्टिनेंट यानी कि मुख्तलिफ होते हैं, सम ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ मैप्स आर, मुख्तलिफ तरह के मैप्स होते हैं वो ये पिक्चर में, वर्ल्ड मैप दुनिया का नक्शा, कॉन्टिनेंट मैप जो है ना खिते जो होते हैं जिसको हम कहते हैं सबसे पहले आ गया एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये जो होते हैं सात बड़े आज़म हैं जिनको कॉन्टीनेंट मतलब बड़े आज़म, और कंट्री मैप स्पेशली ये इस वक्त तो कंट्री मैप ऑफ पाकिस्तान बना हुआ, तो इस तरह कहते हैं कि किसी मुल्क का कंट्री मैप भी आपको मिल जाएगा, वर्ल्ड मैप भी मिल जाएगा, दुनिया का नक्शा और बड़े आज़म का नक्शा भी मिल जाएगा। टू यूज़ अ मैप मोर अफेक्टिव, अगर आप मैप यूज़ करते हैं तो आप आसानी से तलाश कर लेती है, आसान हो जाता है आपके लिए। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो सम ऑफ इट्स एलिमेंट्स, अगर आप उसके कुछ एलिमेंट्स को जान ले तो आपको नक्शा पढ़ना नक्शा समझना आसान हो जाता है। अ मैप हैज़ अ टाइटल, मैप के ऊपर एक टाइटल होता है, द टाइटल टेल्स यू व्हाट अ मैप इज़ अबाउट, कहता है उसके ऊपर ना एक टाइटल होता है मैप के ऊपर नक्शे के ऊपर, तो वो जो आपको बताता है वो उसके होती हैं, इट हैज़ अ की मैप, उसके अंदर ना मैप की कीज़ भी होती हैं, की मैप मतलब पॉइंट को की कहा है उसने। अ मैप की इज़ लाइक अ लॉक की, मैप की दरअसल लॉक की तरह ही होते हैं, इट इज़ यूनिक फॉर एवरी मैप, जो एक बड़ी ही यूनिक यानी कि कह लें कि ख़ास चीज़ होती है हर नक्शे की। अ मैप की टेल्स यू व्हाट द सिंबल ऑन द मैप रिप्रेजेंट,
मैप की जो है ना आपको आसानी से बता देगी कि इस सिंबल का मतलब क्या है, मकसद क्या है। इट हैज़ डायरेक्शन कंपास डैट विल शो यू वेयर नॉर्थ इज़। उसके अलावा इसकी एक साइड पे कंपास भी दिया गया होता है नक्शे को समझने के लिए, जिससे वो बताता है आपको कि ये आपका नॉर्थ किधर है लास्टली है। इट हैज़ स्केल, उसके लास्ट में उसके स्केल होता है। अ स्केल टेल यू हाउ स्मॉल थिंग समथिंग इज़ एज कम्पेयर टू इट्स रियल साइज, छोटी चीज़ को किस तरह बड़ी चीज़ के साथ कंपेयर किया गया वो भी आपको बताता है। ये देखिए, अगर आप ये देखें ना, सेंट्रल मैप है, ये इसके की एलिमेंट्स है, ये इसका कंपास का एरिया, ये यानी वो चीज़ों की बात कर रहा है इसमें। उसके बाद आगे है, कहते हैं कि मैप्स हैव बीन यूज फॉर वेरी लॉन्ग टाइम बाय ह्यूमन। नक्शे तो पूरी इंसान बड़ी देर से इस्तेमाल कर रहे हैं नक्शा को। द फर्स्ट टाइम अ कम्प्लीट वर्ल्ड मैप वॉज मेड व्हेन द फेमस एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबस वेंट ऑन अ सी एक्सपीडिशन टू रीच इंडिया इन 1493। कहते हैं नक्शे तो इंसान बड़ी देर से यूज़ कर रहा है, लेकिन सबसे पहले जो एक वर्ल्ड का प्रॉपर वर्ल्ड मैप था ना, वो बनाया गया था एक एक्सप्लोरर फेमस एक्सप्लोर मशहूर रियाज जो है मसलन जियोग्राफी था, उसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस था, जिसने कह लें कि अमेरिका भी दरियाफ्त किया था। और उसने जो है ना सबसे पहले जो सी एक्सपीडिशन टू रीच, वो एक दरिया समुंदर को ढूंढते हुए वो इंडिया पहुँच गया था 1493 में। ही मेड अ मैप ऑफ हिज ट्रैवल, उसने अपने सफ़र के लिए एक नक्शा बनाया था। हाउ एवर नाउ वी नो डैट दिस मैप वॉज नॉट करेक्ट बिकॉज ही डिस्कवर्ड अमेरिका इंस्टेड ऑफ इंडिया। कहता है दरअसल वो तलाश इंडिया को कर रहा था, लेकिन पहुंच अमेरिका में गया था, तो लिहाजा अब हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया हुआ कि उसने जो नक्शा बनाया था वो था गलत, ठीक है। तो लिहाजा उसने डिस्कवर इंडिया को करना था, लेकिन वो डिस्कवर उससे अमेरिका हो गया था। तो कहता है टेक्नोलॉजी हैज़ गिवन अस टूल्स लाइक गूगल मैप एंड डिवाइस लाइक GPS ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। कहता है जैसे आजकल टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत ज़्यादा मजीद जदीद टेक्नोलॉजी ने चीज़ें प्रोवाइड की हैं। गूगल मैप है, आप इजीली स्ट्रीट मैप ढूंढ लेते हैं। डिवाइसेस हैं, मुतसर के आलात हैं, जिसमें आप ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जिसको GPS कहते हैं की मदद से आप इजीली अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। इट इज़ अ नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ सो डैट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ प्लेस कैन बी नाउन। कहता है ऊपर GPS ट्रैकर होता है, खला के अंदर उन्होंने भेजा, तो वो ईजीली जो है ना वो उसके साथ कनेक्ट होता है, तो उसके अंदर जो सिग्नल होते हैं उनको फाइंड आउट करके आप इजीली जो है ना उसका सैटेलाइट के ज़रिए वो जो है ना उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बता देता है। तो ये GPS डिवाइस बता रहा है और ये गूगल मैप के स्ट्रीट्स वगैरह बता रहा है। तो आगे हमारी एक्सरसाइज शुरू हो जाती है, तो इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज करते हैं अभी जी। यूनिट नंबर 8 जो मैप स्किल हम रीडिंग की है बुक से, उसकी हमारी एक्सरसाइज है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, कहते हैं मुदाजाल क्वेश्चन के आंसर दें। हु मेड द फर्स्ट कंप्लीट वर्ल्ड मैप, सबसे पहले कंप्लीट वर्ल्ड मैप किसने बनाया था, वो उसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है। सबसे पहले उसने कंप्लीट मैप उसने बनाया था, वो अलग बात है कि उससे रंग बन गया था, उसने तलाश इंडिया को करना था लेकिन वो पहुँच अमेरिका में गया था। राइट द एब्रीवेशन ऑफ GPS की एब्रीवेशन यानी GPS का क्या मतलब है वो बताएं, ये किस चीज़ का स्टैंड है। GPS स्टैंड फॉर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जी का मतलब ग्लोबल, पी का मतलब पोजिशनिंग, एस का मतलब सिस्टम, GPS मतलब ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। व्हाट इज़ मैप, नक्शा क्या होता है। मैप और पिक्चर, मैप तस्वीर होती है जो पेश करती है ऑफ एन एरिया, एरिया को पेश करती है, डैट हेल्प यू फाइंड डायरेक्शन, जो एक एरिया बताती है जिसके ज़रिए आप किसी भी डायरेक्शन को सिमत को आसानी से जान जाते हैं। व्हाट आर डायरेक्शन, अब डायरेक्शन कहता है डायरेक्शन जो आप जान जाते हैं, डायरेक्शन क्या होती है। कहता है डायरेक्शन गाइड योर वे, डायरेक्शन जो है ना आपको रास्ता बताती है। देर आर 4 कार्डिनल पॉइंट इन डायरेक्शन, जो डायरेक्शन है रास्ते के वो कहता है कि 4 उसके कार्डिनल पॉइंट होते हैं। दे आर जो होते हैं उनका नाम है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, शुमाल जनूब मशरिक और मगरिब। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, अ डायरेक्शन हैज़ 4 पॉइंट्स, कैंपस रोज शो द डायरेक्शन ऑन अ मैप। उसके बाद कहते हैं द सन ऑलवेज राइजेज इन द ईस्ट। उसके बाद कहते हैं मैप हैज़ बीन यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे अरसे के लिए मैप इस्तेमाल
सॉरी मैप हैव बीन यूज फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे अरसे से जो है ना मैप इस्तेमाल हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी हैज़ गिवन अस टूल्स, अब टेक्नोलॉजी हमें टूल्स प्रोवाइड कर रही हैं, आसान शॉर्टकट कीज दे रही हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, अ मैप हैज अ टाइटल, मैप का एक टाइटल होता है। उसके बाद देयर आर फोर एडिशनल डायरेक्शन, फोर आ जाएगा ब्लैंक में। कंपास इज आल्सो नोन अ डायरेक्शन फाइंडर, कंपास का दूसरा नाम होता है रास्ता तलाश करने वाला, ठीक है। उसके बाद आ गया इसके नेक्स्ट में फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो है नंबर फोर है, कहता है डायरेक्शन गाइड योर वे, डायरेक्शन जो है ना आपको गाइड करती है कि आपका रास्ता तलाश करने में मदद करती है। द सन ऑलवेज राइजेज इन द ईस्ट, सन सूरज जो है हमेशा तलू होता है मशरिक से। तो ये हमारी यूनिट 9-8 की एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गया, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें, ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन